परी बेटा, अरे बेटा तू जाग रही, सोई नहीं अभी तक? है बाबू? पापा नींद ही नहीं आ रही है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारी लाइफ में हो क्या रहा है। मुझे तो लगता है कि माँ साहब को हम कभी नहीं समझ पाएंगे, तो क्या करती हैं कब करती कुछ समझ में नहीं आता, आज कुछ तो कल कुछ और। देखा ना आपने, उन्होंने आज मार्केट से दूध भी वापस ले लिया। बेटा तूने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया, मुझे मेरी बेटी पे पूरा भरोसा है। मेरी बेटी मजबूत है, बहादुर है, हर गलत का डट के सामना करती। लेकिन एक बात कहूं बेटे, मुझे ऐसा लगता है कि माँ साहब दिल की पूरी नहीं है। पापा, लेकिन बेटा उन्होंने पूरी पब्लिक के सामने अपनी गलती मान तो ली, अब तुझे भी उनको एक मौका देना चाहिए ना बाबू। अरे बाप रे, हम कॉलेज के लिए ऑलरेडी लेट हो रहे थे। मुश्किल रास्तों पे चलना इतना आसान नहीं है। आओ मैं तुम्हें छोड़ दे। पिछले दिनों हम दोनों के बीच बहुत कुछ हो गया है ना, फिर मैंने सोचा जो गलती हो गई है उसे सुधारा जाए, तो मैंने दूध वापस ले ली और ये भी सोचा कि अपने बेटे के लिए अपनी जैसी बहू लाऊं। लेकिन तुमने तो मेरी बात की इज्जत नहीं रखी। हमें अपनी राय रखने का हक तो है ना, हम जानते हैं कि आपने दूध वापस ले लिया है मार्केट से, पर हमारे पापा को कितनी परेशानी हुई है उसका क्या? नहीं नहीं तुम सही हो। सही क्या तुमने? तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो मैं भी वही करती। बड़े दिनों बाद मैं अपने जैसे किसी इंसान से मिल रही हूँ। हम आपके जैसे नहीं है मासा। कोई बात नहीं, लेकिन तुम वो केस वापस मत लेना। क्या आप कह रही हैं हमसे? हाँ हाँ भाई मैं कह रही हूँ, जब तुम्हारी हिम्मत की दाद दे रही हूँ तब केस वापस लेने के लिए नहीं कहूँगी। तुम तो बस डट के लड़ो, माँ साहब कर लेगी सच का सामना, क्योंकि माँ साहब जानती है कि सच क्या है और अच्छा होगा दुनिया भी जाने। अब ट्रक यहीं रोक दीजिए, वो हमारा कॉलेज आ गया। रुको बेटा, बेटा मुझे तुम्हारी जैसी बहू चाहिए, अब बहू ने बेटी चाहिए। वैसे मेरा बेटा भी लाखों में एक है, एक बार फिर से सोचना। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम साफ कर देते हैं। सॉरी से काम नहीं चलेगा, अब तो आपको हमारे साथ दो बाई दो कुल्फी खानी पड़ेगी। छोटू दो कुल्फी लेके आ, बैठिए ये लीजिए। आज हमारी माँ बहुत खुश थी, उन्होंने कहा कुछ अच्छा होने वाला है और उन्होंने कहा उनका मुंह मीठा कराए हम, तो हमने सोचा क्यों ना उनकी पसंदीदा चीज से उनका मुंह मीठा कराया जाए। पिस्ता कुल्फी, उन्हें भी पिस्ता कुल्फी पसंद है और वो भी यहाँ की। वैसे एक बात बताए, हमें भी नई कुल्फी बहुत पसंद है, हमारी फेवरेट है। वैसे पिस्ता कुल्फी काफी जचती है आप पे। परी बेटा सच सच बता, तुझे इस रिश्ते से कोई दिक्कत तो नहीं है? दादी हमें लगता है हम माँ साहब के साथ बहुत खुश रहेंगे, पहले हम जानते नहीं थे उन्हें, लेकिन धीरे धीरे जान रहे हैं उन्हें।
फिर उन जैसी माँ मिलना, ये तो सौभाग्य है ना हमारे लिए। बेटा, जो कुछ भी उन्होंने अंकित के साथ किया, उसके बाद भी तू ये कह रही। दादी, माँ साहब बहुत मुश्किल हालातों से गुजरी हैं, इसलिए वो अपने परिवार की हद से ज्यादा फिक्र करती हैं। अकेले बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, ऐसे में दादी इंसान बाहर से कठोर पत्थर तो बन ही जाता है ना, लेकिन हमारा यकीन मानिए वो अंदर से बिल्कुल हमारे जैसी है। और हमने बहुत लोगों से उनकी तारीफ सुनी है। दादी, ऐसे तो कोई किसी की तारीफ नहीं करता है ना, और सेकंड चांस वो तो उन्हें मिलना चाहिए ना दादी। कहते हैं ना, माँ बाप की परछाई उनके बच्चों में दिखाई देती, फिर ऐसी माँ जो अपने बच्चों से इतना प्यार करती है, उन्हें इतने ऊंचे संस्कार दिए हैं, अपनी बहू को दादी यानी कि हमें कितना प्यार देंगी, है ना? क्या हुआ? बता दो। अब तो हमें यकीन हो चला है कि हमें मां साहब में हमारी मां जरूर मिलेंगी।